कितना टफ काम है यार, बंदा कहाँ चल के और कैसे कर रहा है हेलमेट लगा के। लाइट चली गई, लाइट गड़बड़ हो रही है तो बंदा चढ़ा हुआ है ऊपर सही कर रहा है। सोच रहा हूँ एफजेड से जरा गांधी चौक तक घूम, वो क्या लेके जाएगा। हमने मेरी बात ही नहीं सुनी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आदमी लॉकडाउन लगने वाला है, जोड़ने में लगा, मतलब लॉकडाउन का हिसाब जोड़ने वाला है, उसके बाद तो फिर वही है। ये बात तो है, ये बात है, देखो साल भर का। लेकिन अब ये अमृतसर के, ये अमृतसर के होंगे, खाली गाड़ी लेके आ गए होंगे भर के। मैं गाड़ी नहीं लेके, अच्छा वैसे के अकेले में नहीं यार, चलो मित्र है कंबा बचा के भाई। चलो स्पीड निकालनी है, देखें कितनी स्पीड है। क्या है यार, दम हम है नहीं। उठाओ जरा और उठाओ, और उठाओ, थोड़ी देर में उठ ही जाए। नहीं उठेंगे तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर में और अगला उठाने को तैयार होंगे, सभी सभी आ जाएंगे उठाने। और ये उठाओ उठाओ, गिर गए गिर गए। बढ़िया चल रही है गाड़ी यार, क्या बात है। रानीगंज में रात का माहौल भी बढ़िया है, और उठाओ, क्या बढ़िया है। हम आए हैं यहाँ पे, और क्या नाम, देखते हैं माहौल कैसा है, कुछ मोमोज वगैरह कुछ खाने का इंतजाम हो जाए। शाम का समय है, बढ़िया माहौल है, स्नैक्स वगैरह कुछ देखते हैं। और ये अपने दुकानदार हैं, मैंने कहा यार दुकान तक आया हूँ कम से कम मोमो तो खाने के लिए, तो मोमो खा रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। मोमो मैं सादे नहीं खाता हूँ, मुझे प्याज जरूर चाहिए होता है मोमो के साथ, बहुत पसंद है। ये मैंने रुद्रपुर से खाने सीखे हैं मोमो, क्यों ना मुझे भी पसंद नहीं, मैं भी खाऊँ से ही ब्लॉग। रात के 8:30 बज गए और अभी तक मैं मार्केट में बैठा हुआ हूँ। रात में मार्केट देखाऊँ तुम्हें, कहती है रानीखेत की मार्केट, कुछ भी यार साफ नहीं दिख रहा है। चले निकले यहाँ से, वैसे चांदनी रात में यहाँ से ऐसे समझ लीजिए रात को हिमालय तक दिखता है, जब चांद पूरा होता है और बरसात की रातें होती हैं। दोस्तों जैसे कि मैं पहुंच गया हूं अपने रूम पे, आज यार सुबह सुबह एक मीटिंग भी पड़ गई ऑफिस की, तो उसकी वजह से मुझे सुबह लेट जाना पड़ा मार्केट, और लेट भी हो गया, लेकिन ऐसा था काम, दिन में तो ज़्यादा कुछ था नहीं। रात को मैं वैसे रुक गया, किसी के साथ बैठ गया, तो बैठने में देर हो गई, और क्या नाम, थोड़ा रात को काम भी था इस वजह से रुकना पड़ा मुझे। खैर जो भी हो, दोनों काम हो गए डन, और डन होने के बाद फिर मैं निकल आया, मुझे निकलता हूँ। अभी टाइम बताऊँ आपको तो 9 बज रहे हैं इस समय, मैं लगभग 20 मिनट पहले पहुँचा हूँ रूम पे। खैर जो भी हो, काम सारे डन हो गए, सब कुछ ओके हो गया, मैं रूम पे हूँ, और यहीं पे वीडियो एंड कर रहा हूँ। कल बात करता हूँ जैसा होता है, डेली बेस पे आपको पता ही है आ रहे हैं वीडियो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई का मूड एकदम और मोटिवेशन एकदम हाई लेवल पे है, तो सब ओके है। कल मिलते हैं यहीं इसी टाइम।